हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोल्हापुरी चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 900 ग्राम चिकन लिया है। अभी इसमें मैं आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 नींबू का रस डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने इस चटनी बोल जितना सूखा नारियल लिया है, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1-2 मिनट तक इसे चला लेंगे, फिर इसमें बाकी की चीजें भी डाल देंगे। अभी इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 जावित्री का टुकड़ा, 1 चक्रफूल और 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 10 साबुत काली मिर्ची, 1 टीस्पून सौंफ, 7 काजू, 1 टीस्पून तिल, 1 टीस्पून खसखस। इन सब को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अभी इसमें हम 5 साबुत लाल मिर्ची भी डाल देंगे। इनमें से थोड़े थोड़े बीज हम निकाल देंगे और अभी साबुत लाल मिर्ची डालने के बाद इसे थोड़ी देर और चला लेंगे। इसे हमने 2-3 मिनट तक चला लिया है। अभी हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और इन्हें लंबे पीसेस में काट लिया था और फिर इन्हें फ्राई कर लिया। ये भी इसमें डाल देंगे। ये 7 लहसुन की कलियां हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। इसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। ये 1 इंच से कम अदरक है, इसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे और अभी इन सबको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इन सबको हम पीस लेंगे। पैन में तेल गरम हो गया है। अभी इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। चिकन को हम थोड़ी देर भून लेंगे। हमने 5 मिनट तक चिकन को भून लिया है। अभी हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट तक इसे और भून लेंगे। हमने इसे 5 मिनट तक भून लिया है। अभी ये एक बड़ा टमाटर लिया है और इसे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे 5-6 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर रख देंगे। 6 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल देते हैं। फ्लेम हाई पर कर देंगे और अभी इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक भून लेंगे।
हमने इसे 5 मिनट तक भून लिया है। अभी इसमें 3/4 कप पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अभी इसमें एक उबाल आ चुका है। अभी हम इसे 25 मिनट के लिए ढककर धीमी आंच पर रख देंगे। 25 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकाल देते हैं। चिकन तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें अदरक के जूलियन और हरा धनिया डाल देंगे और गैस फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए, कोल्हापुरी चिकन तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।